भैंसवाल मोड़ स्थित ऋषि चौक पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब चौक पर स्थित एक आरवी कलेक्शन एक्सपोर्ट फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में फैक्ट्री का करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया। जैसे ही आग की सूचना फैक्ट्री मालिक और स्थानीय लोगों को लगी तो तुरंत प्रभाव से इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई और दमकल विभाग की करीब एक दर्जन गाड़ियां जिसमें घरोंडा फायर स्टेशन से गाड़ियों को तुरंत प्रभाव से बुलाया गया। मौके पर पहुंची करीब एक दर्जन दमकल की गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में देरी का कारण यह भी रहा कि फैक्ट्री में चारों तरफ से टीन की दीवारें बनाई हुई थी जिसके चलते फैक्ट्री के अंदर पानी पहुंचने में दिक्कत आ रही थी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी है और आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री का करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया। इसी दौरान वहां पर मौजूद एक फायर कर्मी दिनेश ने बताया कि उन्हें आग लगने की सूचना मिली थी जिसके बाद पानीपत के सभी फायर स्टेशनों से गाड़ियां बुलाई गई और जब आग ज्यादा बढ़ती गई तो घरोंडा स्टेशन से भी गाड़ियां मंगवाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बहरहाल आग से कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। जैसे ही सूचना मैंने कंपनी का नाम आरवी करके है तो तुरंत मौके पर पहुंचे और आग को 2 घंटे में हमने काबू पा लिया है। कितनी गाड़ियां लगी है? हमारी पानीपत की जो दमकल के अंदर की हैं 3 स्टेशनों की गाड़ी निकली हुई हैं और हमारे एक करनाल से भी हमने गाड़ी बुलाई है जो तुरंत पहुंच के फायर पर काबू पाया। कैसे आग लगी? ये लगभग 1.5 घंटे पहले आग लगी थी। ये सार बिजली के उससे लगी आग। यहाँ कोई था नहीं, पड़ा ताला भी हो गया, ताला तो बाद में खुला, अंदर कोई था नहीं। वो तो काफ़ी देर सारे तो मन कट गए जब पता लगा भाई आग लग हुई है। क्या कारण था? शॉर्ट सर्किट। कैसे लगी थी आग? वो बिजली से लगी है, कोई कौन से और तो कोई यहाँ था नहीं, तो बंद था ये। कितनी देर में फिर दमकल विभाग की गाड़ियाँ पहुँची? बस फोन करते आ गई तो 5-6 गाड़ी आ गई, बल्कि 6-7 फोन करते टाइम तो लगा, कोई वहाँ लिया तो बैठा नहीं। तो क्या माल देखा, क्या माल था यहाँ पर, क्या बन रहा था? ये एक्सपोर्ट की फैक्ट्री थी, इसमें लकड़ी का, फाइबर का, प्लास्टिक का, कार्टून बहुत सामान था। कितनी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया? लगभग 2 घंटे बाद यह काबू है। अब पूर्ण रूप से आग पर काबू पा लिया गया? लगभग पा लिया। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम ऋषि। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।